अस्सलामुअलैकुम का दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज इसके लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में लोग ग्रोसरी के सामान बहुत ज़्यादा घरों से ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ग्रोसरी के फील्ड में। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, अगर आप ऑनलाइन काम करेंगे तो उसके लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत है। तो आप वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं या फिर ये जो वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज पूरी हम डिटेल से जानेंगे। और बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको वर्डप्रेस आपको आता हो तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, अगर ख़ुद से बनाना चाहते तो बना सकते हैं, वरना आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल ईजीली के इस तरह की वेबसाइट जो हम बना के दे देंगे। आपको अगर होस्टिंग की ज़रूरत हो, आप होस्टिंग हमसे ले सकते हैं, चीप एंड बेस्ट में अच्छे होस्टिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पूरी कंपनी है, जैसे कि ये वेबसाइट हमने बनाई है, हमारे टीम के बंदों ने ये बनाई है। कैपिटल टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी का नाम है, आप हमारी कंपनी में आइए और आके जो भी जिस टाइप की भी अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होता है, मोबाइल ऐप की, ग्रोसरी ऐप की, या फिर क्या नाम है कि वेबसाइट की, जिस टाइप की भी हो, हम हर तरह की वेबसाइट क्या नाम प्रोवाइड करते हैं, हर तरह के ऐप प्रोवाइड करते हैं। तो खैर, चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पे कि हमें अगर ग्रोसरी की वेबसाइट बनाना है इस तरह से, जैसे कि यह दिख रहा है, ये दिल्ली के एक बंदे की वेबसाइट है कि ये हमने ही बनाया है। इसमें अगर हमें रिव्यू इसका मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ आज, और आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऑर्डर बिल्कुल ईजीली हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप से ऑर्डर ले सकते हैं, और दूसरी ख़ास बात ये है कि आप 200 रुपये से कम तक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें इन्होंने, इस बंदे ने कहा कि मुझे 200 रुपये से जब तक कम नहीं, 200 रुपये से ऊपर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करता है तो उसका हम ऑर्डर नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई बंदा 200 रुपये तक ऑर्डर नहीं करता तब तक उसका डिलीवरी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, अमेजन चीज़ें किस तरह से आप सेट कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट देख लेता हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट से फ़िश है, फ़िश में बाय करना चाह रहा हूँ, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर सकते हैं, इजीली कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे उसका इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, स्पेशल क्या इसमें क्या 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 चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती है वो चीज़ें इसमें दिया गया है। फिर एडिशनल में चीज़ें दी गई हैं, ये कितने किलोग्राम के हैं, ये 500 ग्राम ये फ़िश हैं, रोहू फ़िश है, इसका तो मैं इसका ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको 1 किलो लेना है तो यहाँ पर क्वान्टिटी आप इसमें डबल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है कि आप जो इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आप अपना लॉगिन करेंगे या फिर साइनअप करेंगे। मेरे केस में मैं क्या इसमें ऑलरेडी मैं साइनअप हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, इसका जो पेज है एक चेकआउट पेज पे भेज दिया जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेकआउट पेज पे आ गया है। अब ये कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर जो 200 रुपये तक रिक्वायर्ड है, आप अभी का आप तक आपका जो ऑर्डर हुआ है, मतलब मैंने जो ऑर्डर किया है अभी सिर्फ 143 रुपये का ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो अब जब तक हम 200 रुपये का ऑर्डर नहीं लेंगे तब तक हमें चेकआउट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चले राहुल को मैं 1 किलो कर लेता हूँ, उसके बाद अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद फ़ौरन आपको यहाँ पे देखेंगे कि चेकआउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप अपना यहाँ पर नाम डालिए, नाम एड्रेस वगैरह डालिए, कुछ भी जो आपके सारी चीज़ें बिल्कुल सही से एक्यूरेसी डालिए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी कीजिए या फिर पे ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं अभी कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसका ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक। अब जो ऑर्डर प्लेस मैंने कर दी, अब ये ऑर्डर ये बंदे के पास चला गया। अब उस बंदे को देखेगा, देख के मेरे पास अगर चाहेगा ये डिलीवर कर देगा, ठीक है। खैर, ये इस तरह केस है कि आप इस तरह से अपना ऑर्डर ले सकते हैं, बिल्कुल ईजिली ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक। बट अभी के मैंने कि इसका जो हमें ये बताना है कि हम इस तरह की वेबसाइट अगर हमें बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आप यहाँ इसको वर्डप्रेस से बना सकते हैं, बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, एक थीम की रिक्वायरमेंट है, वो थीम के जिसका नाम कहते हैं अनमोल के नाम से एक थीम है। इससे पहले मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी कि आप यहाँ इस थीम के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई भी थीम्स हो, कोई डिज़ाइन मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री थीम में भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपके पास एलिमेंटर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एलिमेंटर वगैरह हैं, एलिमेंटर से काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ईजिली काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसी थीम का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको स्टोर ऑनलाइन 24 के नाम से, कि इससे पहले वाले के जो के वीडियोस हैं उस वीडियोस में दिया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो ग्रोसरी के भी ऐप आप इसी थीम से, अनमोल के थीम से आप बना सकते हैं। साथ साथ जो है कि आप चाहें तो क्या नाम है, आप अपना स्टोर बना सकती हैं। ये दिख रहा होगा आपको लुक लाइक फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट अगर आप चाहें बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जब मैंने ऑर्डर किया है इसका तो ऑर्डर में देखता हूँ यहाँ पे कहाँ से कहाँ आया ऑर्डर आया है। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये ऑर्डर है कहाँ पे, प्रोडक्ट्स पे आया यहाँ पे इन स्टॉक, सॉरी यहाँ पे आएगा ई कॉमर्स। ठीक है, वो कौन से ऑर्डर, टू ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो दो ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर पहले का है एक ऑर्डर अभी का है। ठीक है, जैसे कि ये बंदा इन्होंने अभी किया था कुछ देर पहले, ये 9 अप्रैल को किया था, अभी मैंने ये किया है। ठीक है, तो खैर अभी के मेरे केस में क्या के मैंने इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सैम्पल दिखाने के लिए किया जो किस तरीके से ये ऑर्डर हो सकता है, ये ऑर्डर आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सा ऑर्डर प्रोसेस्ड हो गया, कौन से कैंसिल हो गया, कौन से कंप्लीट हो गया। जैसे कि ये बंदे का इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, ये 9 का 9 अभी के रिसेंटली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह की वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका पूरा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको होम पेज बनाना हो तो होम पेज के लिए क्या करेंगे। अब सिंपल ये कि आप चाहें तो इसमें प्रोडक्ट पहले अपलोड कर लें, उसके बाद आप जाके एक एक करके उसका डिज़ाइन कर लें। तो मैं सबसे पहले डिज़ाइन पे जाता हूँ, इसका होम पेज के डिज़ाइन पे चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह की वेबसाइट बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। इसमें जाएंगे होम पेज में, मैं एडिट करता हूँ और बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल ड्रॉप ड्रैग करके आप इसमें चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेज बिल्डर होना ज़रूरी है, ये WP बिल्डर है, आपको ये होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा नहीं कर पाएंगे। असल में बहुत दिनों से अपडेट नहीं लिया है जिसकी वजह से इस तरह का दिख रहा है ये। इससे पहले का मैं अभी 15 प्लगइन है जिसको अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सही से लेगा। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट्स कर लेता हूँ, जब तक मैं अपडेट्स करता हूँ तब तक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब तक ये अपडेट्स हो रहा है तब तक यहाँ देख लेता हूँ कि इसके जो पेजेस हैं वो पेजेस हम किस तरीके से बना रहे हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये अपडेट्स हो रहा है। सेम इसी तरह की जो वेबसाइट अगर आपको और बनानी हो, ग्रोसरी की वेबसाइट अगर आपको बनानी हो तो आप यहाँ पे दूसरी जो थीम है उस थीम से भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल न्यूज़। पेन न्यूज़ के नाम से एक थीम है, इस थीम से भी आप बनाना चाहे बना सकती है। ये थीम अगर आप चाहें तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये थीम फॉरेस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए ये थीम तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप, लेकिन यह अगर आपको चाहिए तो बताएंगे बताइएगा, मैं इसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके ये थीम, इस तरह के थीम आप लेना चाहें बिल्कुल इजीली ले सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये ग्रोसरी की वेबसाइट है, और ये आपको अगर डेमो अगर इंपोर्ट करना हो तो आप बिल्कुल डेमो इस तरह की इंपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल ईजीली। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि आप वेबसाइट कितना खूबसूरत सा है। तो इस तरह की वेबसाइट अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो इस तरह की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहें बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको सीखना हो या जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस तरह की वेबसाइट जो है बना के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से ये वेबसाइट बना सकते हैं हम। ठीक है, तो खैर मैं चलता हूँ अभी के इसकी तरफ, इसमें प्लगइन्स जो अपडेट्स हो रहे हैं ऑलरेडी। इसमें एक ख़ास बात ये है कि जैसे अगर अबाउट अस में आएंगे तो अबाउट अस का जो पेज है बड़ा ज़बरदस्त पेज बनाया गया है, इसके बैक एंड में वीडियो चल रहा होता है, फुटेज है, ये वीडियो फुटेज है, ये वीडियो फुटेज यूट्यूब के वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रिसोर्स पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, फिर वो वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब,
सॉरी अभी मेरे केस में दिख नहीं रहा है। तो खैर ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, अगर आपको चाहिए या बनानी हो तो मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी किस तरीके से आप इतना खूबसूरत से के पेज या खूबसूरत से वेबसाइट बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए बस आपको प्रोडक्ट डालना है। प्रोडक्ट आप देख सकते कितना ज़बरदस्त खूबसूरत खूबसूरत सा प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कितना खूबसूरत सा प्रोडक्ट्स है, ये इमेजेस भी अच्छा है। इसी तरह की वेबसाइट में इसी थीम से मैंने बनाया है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि इसी थीम को यूज़ करके बड़ा खूबसूरत वेबसाइट है। या ईजेड ग्रॉसरी के नाम से आप एक मतलब विज़िट कर सकते हैं, इस वेबसाइट को देख सकते हैं ये किस तरीके से ये दिख रहा है। ये सब कस्टमाइज है, A to Z कस्टमाइज है कि ये मतलब ये बनाया गया, जैसे ये जो इमेज मैंने वहाँ पे यूज़ किया था सेम इमेज यहाँ पे। और ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स आप अपना देखना चाहे देख सकते हैं, देखें प्रोडक्ट्स सेम ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल ईजिली करना चाहें कर सकते हैं, आप इसको व्यू करके भी देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आज जो मीट मच्छी की वेबसाइट है उसकी तरफ चलता हूँ, कि ये जो मीट मच्छी की वेबसाइट है कि ये इस तरह की वेबसाइट हम किस तरह बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो मैं ये बात कर रहा था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे जैसे 200 रुपये से मिनिमम ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर को आपको करना है तो उसके लिए एक प्लगइन होता है कि आप मिनिमम ऑर्डर जैसे ये हैं ये प्लग है वूकॉमर्स फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन इसलिए है कि आप अगर जब तक कोई लॉगिन नहीं करेगा तो लॉगिन का जो ऑप्शन आता है प्रोडक्ट पे बाय करने के वक्त, तो ये ऑप्शन है इस प्लगइन को, अगर हम इसको डीएक्टिव कर देंगे तो फिर वो डायरेक्ट चेकआउट पे लेके चला जाएगा, लॉगिन नहीं मांगेगा, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा प्लगइन है जो हमें दिखाना है वो मिनिमम ऑर्डर का है, ये ऑर्डर स्टोर आवर शेड्यूल फॉर वूकॉमर्स, या ये जो है आवरली ऑर्डर शेड्यूल के लिए है, जो कितना ऑर्डर कितना कितने टाइम में दे सकते हैं। ये जो है ये प्लगइन है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट फॉर वूकॉमर्स, ठीक है, ये मिनिमम ऑर्डर के लिए प्लगइन है। आप इसके डिटेल देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर देंगे, उसको सेटअप करना होगा एक मरतबा, जैसे ही सेटअप कर देंगे यहाँ पे बस सेट एक्टिव करना रहता है, इसको एक्टिव कर देंगे फिर ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो खैर अब मैं चलता हूँ इसके के मेन पेज की तरफ, ये आपके इस तरह के मेन पेज है, मेन पेज किस तरह से डिज़ाइन करेंगे मैं आपको एक पेज भी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा जो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा का इसमें फार्मूला है नहीं, तो इसको मैंने एडिट किया। सॉरी अभी के इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है, ये लगा ये बैकरी, ये पेज बिल्डर बैकरी ये काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कभी अगर आपका काम ना करे इस तरह की जो पेज बिल्डर वगैरह काम नहीं करता है तो आप इसको लॉग आउट करके लॉग इन भी कर सकते हैं, यानी प्लगइन को, क्योंकि ये वूकॉमर्स की जो चीज़ें होती हैं वो प्लगइन के बेस पे होता है, तो उस प्लगइन को आप जो है यहाँ पे डीएक्टिव करके एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। डीएक्टिव करके अगर एक्टिव कर लेंगे तो मे बी ये हो जाए अनमोल ऑर्डर पे, अच्छा कुछ अपडेट्स आया हुआ है इस थीम पे, अच्छा इसका वर्जन आ गया है, लेटेस्ट वर्जन आया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेम वही प्रॉब्लम दिख रहा, खैर कोई नहीं कि इसका क्या, मैं आपको एक फ्रेश वर्जन मैं आपको दिखा दूंगा, जब बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है नहीं होता है, नॉर्मल थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको अगर ये जानना हो या सीखना है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको डेवलप करानी है इस तरह की चीज़ें तो आप हमसे कांटेक्ट करा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या आप ये
बिल्कुल चीप एंड बेस्ट कॉस्ट में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का चल रहा है, सबके पास तंगी है, अगर कोई इशू नहीं है, हम हर तरह की हेल्प करने की कोशिश कर लगे हैं कि आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।